Hello students of B.Tech third year. Today we are discussing about grain pressure theory second. इसके पहले हमने देखा था grain pressure theory first, जिसमें हमने देखा था कि जब हम bin पे कोई grain को load करते हैं, unload करते हैं, तो कितने type के pressure उसमें generate होते हैं, उस वो किस प्रकार से effect डालते हैं. आज हम ये Rankine coefficient के बारे में थोड़ा देखेंगे. Rankine फार्मूला को हम ग्रेन के जो प्रेशर है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो भी सैलो बिन में. हम जब भी ग्रेन का प्रेशर निकालते हैं किसी बिन में, तो हम ये मान के चलते हैं, हम एक आइडियल कंडीशन ये लेके चलते हैं कि वो सेमी लिक्विड है, और हम सेमी लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ग्रेन की डेंसिटी के इक्वल लेते हैं, और उसके बाद सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले लैटरल प्रेशर. तो लैटरल प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फार्मूला से. तो लैटरल प्रेशर इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच. पी एल हो गया लैटरल प्रेशर, और डब्ल्यू क्या हो गया, W डेंसिटी ऑफ ग्रेन, और H है डेप्थ ऑफ ग्रेन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिन सरफेस. अब यहाँ एक बात ये सामने आती निकल के कि इस फॉर्मूले में कहीं पे भी जो फ्रिक्शन के कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है विन वॉल पे, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है. तो एक कांस्टेंट जिसको हम रैंकाइन अर्थ प्रेशर कोफिशियंट कहते हैं, वो इंक्लूड इसमें करना पड़ेगा, जिसको हम के कहते हैं. जैसे मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, ये ग्रेन का ये विन वॉल है, यहाँ पे ये ग्रेन है, तो विन ग्रेन की सरफेस और वॉल की सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, जिससे ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, एफ आर. तो इसके कारण एक वर्टिकल फोर्स इसको बैलेंस करने के लिए जनरेट होगा, जो डाउनवर्ड लगेगा. तो ये इस पर इंक्लूड नहीं हो पा रहा. कौन सा, वर्टिकल प्रेशर अराइजिंग फ्रॉम फ्रिक्शन ऑफ ग्रेन ऑन द वॉल. तो इसके कारण एक कोफिशियंट जनरेट होगा, जिसको हम के कहेंगे, और के रैंकाइंस कोफिशियंट होता है जो हम इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं. So the above formula did not consider the effect due to the vertical pressure, जैसे कि मैंने आपको बताया, arising from the friction of the grain on the wall. Hence the formula was modified to incorporate the factor K known as Rankine's earth pressure coefficient. इसके बाद आप और नोट करिएगा इसको, the Rankine formula is based on the following principle. The resistance to displacement by sliding along a given plane in a loose granular mass is equal to the normal pressure exerted between the parts of mass on either side of the plane. ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक कांस्टेंट. इसको आप नोट करिए जो मैं बोल रहा हूँ. द फॉर्मूला व्हेन मल्टीप्लाइड विथ के फैक्टर नोन एज रैंकाइंस अर्थ प्रेशर कोफिशियंट. तो हमारा फार्मूला ऐसे मॉडिफाइड हो जाएगा, पी एल इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू इंटू एच, और जो के है वो क्या है, रैंकाइंस कोफिशियंट. के इज जो आ जाएगा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वन माइनस साइन फाई अपॉन वन प्लस साइन फाई. अब आप बोल रहे हैं ये फाई क्या चीज़ है, तो फाई इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ग्रेन, और बाकी सारी चीज़ें आपको पता है. तो ये फाई हो गया एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. तो हमारा ये वाला जो फार्मूला है ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, पी एल लेटरल प्रेशर इज इक्वल टू के रैंकाइंस अर्थ कोफिशियंट इंटू पी वी. PV means vertical pressure exerted due to friction of grain on the wall. कभी कभी जो phi है, phi कौन सा, ये वाला angle of internal friction of grain, तो इसको भी note down करिएगा. तो the internal angle of friction of grain was assumed by theoretician and engineers
एज इक्वल टू द नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज। इसको कभी कभी क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ग्रेन का हमें नहीं पता, या पता भी है तो जो इंजीनियर्स होते हैं एक सटीक कैलकुलेशन नहीं कर सकते, एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो थ्योरेटिशियन और जो इंजीनियर्स होते हैं इस ग्रेन के इंटरनल फ्रिक्शन की जगह पे ये मान लेते हैं कि ये नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज भी है ग्रेन का, तो उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। फिर तो हमारा ये फार्मूला निकल के आया, हमने के की वैल्यू पुट कर दिया, ये फार्मूला ग्रेन प्रेशर फॉर शैलो बिन के लिए है, ग्रेन प्रेशर फॉर शैलो बिन। थैंक यू स्टूडेंट्स।